जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। याद आया आपको ये किस कार्टून धारावाहिक का टाइटल ट्रैक है? मोगली। कितनी सारे जानवर हुआ करते थे ना बच्चों मोगली में। तो बच्चों, उसी थीम पर आज मैं आपको जंगल की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का शीर्षक है जंगल का हीरो, जिसे लिखा है कुसुम अग्रवाल ने। साभार, चंपक, जुलाई 2018। और मेरी आवाज तो आप सबने पहचान ही ली होगी। यस, आप सबकी विनीता दीदी। तो बच्चों, कहानी कुछ ऐसी है। जब से जीतू बाघ ने जंगल को छोड़ा था, शांति वन के सभी जानवर दुखी थे। जीतू शरारती था, मजाकिया था और बातूनी था। वो बहादुर और हिम्मती भी था। वो जंगल के हीरो के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उसका दिमाग तेज था। उसकी पीली ऑरेंज कोट थी, जिस पर खूबसूरत काली पट्टियां थीं। पिछले कुछ सप्ताह से जीतू जंगल में दिखाई नहीं दिया था। सभी उसकी तलाश में लगे थे, लेकिन अभी तक वे उसे ढूंढ नहीं पाए थे। जीतू कहाँ चला गया? उसके बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, भीखू भेड़िए ने कहा। जब किसी ने उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है, फिर बिन कुछ कहे वो यहाँ से कैसे चला गया? शेरू सिंह ने पूछा, जो जंगल का राजा था। कुछ महीनों तक जीतू के दोस्त उसे ढूंढते रहे। मुझे उम्मीद है कि जीतू को हम जल्दी ही ढूंढ लेंगे। एक दिन आंखों में आंसू भरे नीलू सियार ने कहा। बिल्लू बिल्ली की आंखों में भी आंसू भरे थे। सभी को जीतू की कमी खल रही थी। वे सभी उस समय कुछ सोच रहे थे, तभी उन्होंने मीकू बंदर को अपनी ओर भागकर आते हुए देखा। वो हाँफ रहा था, लेकिन बहुत खुश लग रहा था। मीकू चिल्लाया, तुम सभी के लिए मेरे पास अच्छी खबर है, अच्छी खबर। वो क्या है? सभी ने एक स्वर में पूछा। हमारा जीतू लौट आया है। सभी चिल्लाए, हालांकि उन्हें इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा था। इससे पहले कि वे मीकू से कुछ और पूछ पाते, उन्होंने जीतू को अपनी ओर दौड़कर आते हुए देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे सभी जीतू को टकटकी लगाकर देख रहे थे। शेरू ने कहा, जीतू तुम कहाँ चले गए थे? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर हमसे कुछ गलत हुआ था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था, हम सुधार कर लेते। शेरों की बातों से सहमत होते हुए सभी जानवरों ने अपना सिर हिलाया। जीतू बोला, नहीं, मुझे आप सभी से कोई दुख नहीं पहुंचा है। नहीं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ से गया था। तो फिर तुम इतने दिनों तक कहाँ रहे? नीलू ने पूछा। जीतू की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जितने दिनों यहाँ से दूर रहा, मेरी जिंदगी के वे सबसे बुरे दिन थे। उस दिन मैं अन्य दिनों की तरह नदी किनारे टहलने गया था। मैंने एक पेड़ के निकट एक अजीब बात देखी। उत्सुकता से मैं उसे देखने के लिए पास चला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं एक जाल में फंस गया जो मेरे लिए बिछाया गया था। इस तरह मैं पकड़ा गया। फिर क्या हुआ? क्या तुमने खुद को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया? तुमने आजाद होने के लिए क्या किया? जीतू की तकलीफ को महसूस करते हुए नीलू ने पूछा। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने जितनी कोशिश की उतना ही जाल में और फंसता चला गया। अंत में मैंने हार मान ली और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। तुम बेहोश हो गए? बड़ी विचित्र बात है। उसके बाद क्या हुआ? उत्सुकता से बिल्ली ने पूछा। जीतू बोला, शिकारी ने मेरे पीठ में बेहोश करने वाली तीर मारी थी। मुझे गहरी नींद में सुला दिया था।
वे चोरी से मुझे शहर ले गए और सर्कस वाले को बेच दिया। सर्कस का मैनेजर एक कठोर अधिकारी था जिसने मुझे कई दिनों तक पिंजरे में बंद रखा। उसके बाद उसने मुझे बाहर निकाला और सर्कस में परफॉर्म करने के लिए कई करतब और स्टंट सिखाए। मुझे करतब दिखाने से घृणा हो रही थी। बिना आजादी के रहना बहुत ही दुखद था और कई दिनों तक किसी के आदेश को मानना और उसके काबू में रहना मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था। जहाँ तक करतब की बात है तो मैं सच में उनमें से एक करतब से डरा हुआ रहता था। कहकर जीतू कांपने लगा क्योंकि उसे ट्रेनिंग की याद आ गई। वो करतब कौन सा था? खा, खा। मीकू ने पूछा। एक आग के छल्ले से होकर कूदना। तुम सभी को पता ही है कि मैं आग से कितना डरता हूँ। मैंने ट्रेनर से विनती की कि मुझे आग से दूर रखे और इसके लिए मैंने कई बार इशारे कर उसे बताना चाहा। फिर भी ट्रेनर ने मुझे नजरअंदाज किया। कई बार मैं करतब दिखाते हुए आग से चल भी गया जिसके निशान मेरे शरीर पर रह गए हैं। क्या तुम्हारे इशारे को ट्रेनर समझ नहीं सका था? भीखू ने पूछा। वो मेरे इशारे को समझता था लेकिन मेरी भावनाओं को उसने नजरअंदाज किया। इस करतब को देखने के लिए सर्कस में बड़ी भीड़ आती थी। ये करतब बहुत आकर्षक होता था। सर्कस को खूब रुपए मिलते थे। जीतू ने कहा। ओह, वो अपनी जरूरतों के लिए लगातार तुम्हें चोट पहुंचाते रहे। क्या वे तुम्हें कुछ खाने के लिए भी देते थे? तुम बहुत ही कमजोर दिख रहे हो। कालू ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, मुझे हर दिन बासी मीट के कुछ टुकड़ों पर जिंदा रहना पड़ रहा था और मुझे एक गंदे गड्ढे से पानी पीना पड़ रहा था। ज्यादा समय तो मैं भूखा ही रहता था। मुझे बहुत ही सख्त पहरेदारी में रखा जा रहा था। तुम वहां से भागने में कैसे सफल हुए? खा, खा। एक दिन जब शो चल रहा था, एक लड़की जो झूले पर थी नीचे गिर गई। सर्कस के सभी व्यक्ति उसकी देखभाल में व्यस्त हो गए। मेरा प्रदर्शन उसी लड़की के प्रदर्शन के बाद था और मैं पिंजरे से बाहर था। मैं मौका देखकर भाग निकला क्योंकि मुझे कोई देख भी नहीं रहा था। बहुत अच्छा हुआ कि तुम भाग निकले, नहीं तो हमेशा के लिए पिंजरे में डाल दिए जाते। एक कैदी की जिंदगी जीने से बुरा कुछ और नहीं हो सकता। मुझे भी वर्षों पहले एक शिकारी ने पकड़ लिया था। वो मेरे पैरों में जंजीरें डाल देता था और बाहर ले जाता था। कालू ने कहा और उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू भरे थे। सबको सुनने के बाद शेरू ने कहा। मनुष्य को भी हमारी भावनाओं को समझना चाहिए, तभी वे हमारे साथ हो रही क्रूरता को रोक सकेंगे। बहुत से जानवरों और पक्षियों की संख्या बड़ी तेजी से कम हुई है। इसके लिए मनुष्यों के बुरे व्यवहार ही जिम्मेवार हैं। कम होने वाले पक्षियों और जानवरों के तो न भाई बचे हैं और न बहन। जीतू के साथ भी तो ऐसा ही है। चूंकि जीतू को छोड़कर और कोई जिंदा नहीं बचा है, इसलिए हमें इसकी खास देखभाल करनी होगी। हाँ जरूर, हम सभी मिलकर अपना हाथ जीतू को बचाने के लिए मिलाते हैं। सभी ने एक स्वर में कहा। शेरू ने कहा। जीतू, तुम वास्तव में असली हीरो हो। हम सभी जंगल में वापस आने के लिए तुम्हारा स्वागत करते हैं और एक पार्टी का आयोजन करते हैं। तुम्हारा घर यहाँ है हम सभी के साथ। सभी जानवर उत्साहित थे। पार्टी की बात सुनकर और अधिक उत्साह से भर गए। वे सभी जल्दी से जल्दी पार्टी की तैयारियों में लग गए। जीतू भी अपने पुराने घर और दोस्तों के बीच आकर बहुत खुश था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे।